सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो मैं अपने नए व्लॉग के साथ आ चुका हूँ, और पता नहीं काफ़ी देर हो गया सो व्लॉग नहीं कर पाए। कोई इरादा नहीं था व्लॉगिंग का, आज भी सोचा चलो कर लेते हैं, कुछ बातें शेयर कर लेते हैं। आप मेरा चेहरा देख सकते हैं, मैंने क्या हालात बना रखे हैं अपने। तो आप सब अच्छे होंगे, है ना? तो हमने व्लॉगिंग छोड़ दिया है, तो उसके पीछे काफ़ी रीजंस हैं जो कि हम बताएंगे आपको धीरे धीरे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म, आई डोंट नो। तो हाँ, मैं भी, आप मेरा चेहरा देख सकते हैं, इसका रीज़न ये है कि मैं थोड़ा मिस कर रहा था आज मैं घर पे, और नेगेटिविटी मेरे माइंड में भर भर के आ चुकी है। तो ऐसे जैसे मैं जॉब पे होता हूँ, मैं मूव कर चुका हूँ, अकेला रहता हूँ इधर, तो थोड़ा कभी बार घर की या जहाँ कुछ भी है ना, कभी कभी हो जाता है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत देर बाद रोया हूँ ऐसे, तो अगर रोया भी हूँ तो मैंने आपको दिखा रहा हूँ, है ना? तो काफ़ी कुछ है, मैं पर्सनल लाइफ के बारे में शेयर नहीं करना चाहता, और ऐसे ही इधर की लाइफ है जो भी है। अभी फ़िलहाल मैं धीरे धीरे बात कर रहा हूँ, मेरा गला बैठा हुआ है। तो हाँ, और ब्लॉगिंग, आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो जो भी वेट करते होंगे या कर रहे होंगे, ब्लॉगिंग नहीं कर रहे हम, क्यों नहीं कर रहे, और हमारे ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, है ना? तो ऐसा है, जितना भी आपने हमें प्यार दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया, और हम कोशिश करेंगे ब्लॉग आगे लाने की, लेकिन फिलहाल कोई ऐसा प्लान नहीं है ब्लॉगिंग का। बट आपने जो प्यार दिया वो अनबिलीवेबल था ना, हमने सोचा नहीं था आप हमें इतना प्यार देंगे और इतनी सपोर्ट करेंगे। तो और बताओ आप सब, तो आप सब क्या राय है कि मुझे ब्लॉगिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या सीन है? मैं इतना ब्लॉगिंग में परफेक्ट नहीं रहा पहले जितना, और ना ही इतना कुछ खास हम बना पाते हैं, है ना? ये पता नहीं क्या लगा कंबल का, तो इसलिए आप बताइए। मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे करूँ व्लॉगिंग, राजू दीदी वहाँ है, मैं इधर हूँ, तो नहीं हो पा रहा है ना ऐसे। तो अगर सिंगल सिंगल व्लॉगिंग करते हैं तो आप देखते नहीं हो, सो इसलिए सोचा अभी तो मैं ऐसे डाल रहा हूँ कि शेयर कर लेता हूँ। फिर बोर हो रहा था मैं, नेगेटिविटी माइंड में आ रही थी, तो उससे अच्छा बातें कर लूँ, है ना? तो लाइफ पूरी चेंज हो चुकी है, इंडिया में अलग थी, इधर अलग है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, जस्ट गोइंग विद द फ्लो। अभी फ़िलहाल शाम हो चुकी है, अब खाऊंगा थोड़ी देर में कुछ ना कुछ, तो थोड़ा रो लिया, मन हल्का हो गया। रोना भी ज़रूरी होता है ना, गंदा पानी आंखों से निकालने के लिए, और जो भी नेगेटिविटी होती है उसको निकालने के लिए बंदे को एक बार रो लेना चाहिए अच्छे से, है ना? तो सब निकल जाता है। और मुझे समझ नहीं आ रहा आज आपसे बात क्या करूं। मैं खुद हैरान होता हूँ कि मैं लाइफ में इतना कुछ है ना चलता है, लाइक मैं घूमता फिरता हूँ जो भी है ना, स्टिल मेरा व्लॉगिंग का मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। मैं व्लॉग्स बनाना ही नहीं चाहता, पता नहीं मुझे क्या हो गया क्या नहीं। लेकिन हाँ, जितना मैं इन्वॉल्व था सोशल लाइफ में है ना, उससे बाहर निकल चुका हूँ पूरा। मुझे अगर मैं इंस्टा पे भी एक्टिव हूँ तो वो भी बस प्रमोशंस के लिए एक्टिव रहता हूँ, वो भी वो चिल्लाते हैं बार बार, प्रमोशन कर दो सर, प्रमोशन कर दो, आप कर नहीं रहे, लेट कर रहे हो ना, तो फिर कर देता हूँ ऐसे। अदरवाइज़ तो ना मैं कुछ डालता हूँ, ना मेरा लाइव का मन है उधर, ना वीडियोस का इतना कुछ खास रहा है जैसे पहले था ना, कुछ इंटरेस्ट नहीं रहा। तो बस इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत एक्टिव हूँ, वो भी बहुत कम, और बाकी तो सब छोड़ दिया मैंने, है ना? बिल्कुल भी ना मैं स्नैपचैट पे, ना मैं
यूट्यूब पे इतना कुछ खास महीने महीने बाद मैं ओपन करता हूँ उनको, तो पता नहीं अब थोड़ा जब मच्योर हो चुका हूँ या इधर की लाइफ ने कुछ सिखा दिया है कि सोशल साइट्स में कुछ नहीं रखा ना, आगे बढ़ो फ्यूचर देखो अपना। तो वो तो चलो फन के लिए था, हम जो भी करते थे, लेकिन हाँ वो दिन अच्छे थे फिर भी, है ना, बहुत ज़िंदगी में सुकून था। लेकिन अब तो टेंशन, स्ट्रेस, एनजाइटी एंड पता नहीं क्या क्या तो बंदे का दिमाग ख़राब हो जाता है। मेरा हुलिया देख लो मैंने क्या अपना हाल बना रखा है। तो ये सब एक स्ट्रेस होता है, इधर की लाइफ बिल्कुल इजी नहीं है। तो ऐसे जस्ट हैप्पी रहना सीखो हर चीज़ में, कभी रो लेना भी चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ आज आप भी रो लेना, तो रो लेना ठीक है, मेरी वीडियो देख के सभी रोना ठीक है तो यही सीन है बस। तो मैं खुद, मेरे काफ़ी लोग बोलते हैं, मेरे फ्रेंड्स सभी, कि तू ना इतना बढ़िया तरह चल रहा था, तू क्या कर रहा है, तू सब कुछ क्यों नहीं यूज़ कर रहा, तूने अपना क्यों नहीं, है ना, कुछ बना रहा ब्लॉग्स वगैरह या वीडियोस। मेरा सबसे एक ही बात बोलता मैं सबको कि मेरा मन ही नहीं करता, फिर मन के बिना कोई चीज़ कैसे हो सकती है ना। तो दैट्स द रीज़न। और राजू से भी काफ़ी दिनों की बात नहीं हुई, करूँगा जल्दी जितना जल्दी हो सके। और अब मैं सोच रहा हूँ दोबारा, है ना, दोबारा वही लाइफ, वही वीडियोस वगैरह आए फनी एंड ऑल, तो ट्राई करेंगे जितना हो सके। बट अभी फ़िलहाल तो हमारा ये हुआ पड़ा है। अभी इंस्टाग्राम पे डालूँगा मैं कुछ दिन में स्टोरी की क्या व्लॉग बनाए क्या नहीं, मुझे नहीं समझ आती, आप बता देना अगर कोई होगा तो बना देंगे, अदरवाइज रहने देंगे। वहाँ पे क्वेश्चंस डाल दूँगा, अगर आपने वहाँ पे एडवाइस दे देना अपनी, है ना, कि ये व्लॉग बनाओ, तो देख लेंगे जो मेरे से बन पाए वही बोलना तो बाकी लाइफ बदतर हो जा रही है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कनाडा, टू बी ऑनेस्ट। मैं यहाँ पे रह रहा हूँ तो जो तीर मैंने पीछे लिया है मुड़ता हुआ, उसी वजह से कि ना मैं उधर का ना इधर का। बट हाँ ठीक है, मुझे इतना नहीं होता, आज मैं थोड़ा इमोशनल हो चुका हूँ वो भी किसी बात से, अदरवाइज मुझे नहीं इतना फील होता। इंडिया जाने को मैं जा सकता हूँ लेकिन मैं नहीं जाना चाहूँगा अभी फ़िलहाल, जाऊँगा थोड़ी देर बाद जाऊँगा। अब आए हैं तो कुछ बन के जाते हैं ना। तो यस, अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोग समझ पाए, है ना। तो अगर व्लॉग चाहते हो आगे तो मैं फिर अकेला करते करूँगा, दीदी के उधर से कई बार आ जाएंगे, मैं इधर डेली व्लॉगिंग कर दूँगा आपके लिए, पर आई डोंट थिंक सो दैट ये वर्क करेगा, पर आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो अभी मैं कप के साथ खेली जा रहा हूँ साथ साथ में पता नहीं चल रहा क्या बात करूँ क्या नहीं करूँ। मेरे में तो जितना मैं आपको हंसा पाता था, हंसाया बहुत था ना इंडिया में, अब तो मैं खुद ही हंसना भूल चुका हूँ, इतना इतना क्या बोलते हैं, सियाणा हो गया हूँ मैं ना, सियाणा हो गया मैं। सो गाइस, आई नो राजू भी अपसेट होगी बिकॉज जैसे वो एडिक्टेड थी है ना वीडियोस को लेके, व्लॉग्स को लेके, सो उसकी वो जो चीज़ छूटी है, सो उसको प्रॉब्लम तो हो रही होगी आई नो, बट पॉसिबल ही नहीं है व्लॉगिंग करना, है ना, कोई है ही नहीं बनाने वाला उसके व्लॉग्स। और इधर तो मैं अपने खुद की बना सकता हूँ, अगर मेरे बस में हो तो मैं ऐसे धड़ाक करके व्लॉग लाऊँ हर रोज़ आपके लिए। अभी मैं बहुत ग्रो कर चुका होता अगर मैं इंडिया में होता, है ना। सो वही बात की राजू मेरे बिना नहीं कुछ कर पा रही, मैं और उसके बिना कुछ नहीं कर पा रहा, सो वो जो कॉम्बिनेशन था वो उड़ चुका है फिलहाल ड्यू टू द डिस्टेंस। तो करेंगे ट्राई जितना जल्दी हो सके, वाहेगुरु मेहर करे। और आप सब बढ़िया, आप बताओ, कमेंट करके बताओ कितना मिस किया कितना नहीं किया, कितना खुशी हुई ब्लॉगिंग छोड़ दी है, जो हेटर्स थे खुशी तो यही होगी अंदर से, है ना जो भर भर के पंप देते हैं थे सबको,
ये इतने पैसे कमा रहा है, ये उतने पैसे कमा रहा है। आप ठंड बढ़ गई ना आपको, बस आप खुश रहने चाहिए, ठीक है, हमारा क्या। तो अब मैं बातें जैसे कर रहा हूँ आपसे, मैं खुल रहा हूँ ना थोड़ा थोड़ा, तो मैं सोच रहा हूँ ब्लॉगिंग करनी शुरू करते हैं। ऐसा मेरा मूड स्विंग होता रहता है। देखो अभी मैं थोड़ी देर पहले अपसेट था, अभी मैं सही हो चुका हूँ। तो हाँ, अब मैं सोच रहा हूँ ब्लॉगिंग का कुछ करते हैं यार, ऐसे तो नहीं चलेगा, है ना। इतनी मुश्किल से ये प्लेटफॉर्म मिला, इतनी मुश्किल से नाम बनाया, इतनी मुश्किल से आगे आए हैं, हर दिन मेहनत कर 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 करके, है ना, इतने लोग जुड़े हैं, तो ऐसे अब वेस्ट थोड़ा जाने देंगे। अब आपके लिए आपको हंसाते थे हम, हमें भी अच्छा लगता है ना ऐसे करके। तो हाँ, देन वाई नॉट, लाइक हमने तो छोड़ दिया, कितने बेवकूफ़ हैं। मैं ऐसे कोई नहीं करता जैसे हमने किया है। मेरा तो पता नहीं क्या सीन है, इतना मतलब फेम मेरे और राजू के पास होते हुए भी हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया फेम का, है ना। हमें तो पता भी नहीं, हम टिकटॉक टिकटॉक पे हम तो टिकटॉक के टाइम पे थे जब हमें पता भी नहीं था प्रमोशंस होती क्या है। हम तो जब टिकटॉक बंद हुआ तब पता चला, तो फिर हमें हमारे सर माथे पे ऐसे थे, अरे ये क्या है, अभी मेरे बाल देखो, हाँ कटिंग करवाने वाली हुई है। तो गाइस डोंट वरी, वी विल मेक यू लाफ फॉर श्योर वंस अगेन। तो बस ऐसे जुड़े रहना, ऐसे हम छोड़ने वाले तो नहीं ब्लॉगिंग, थोड़ा गैप रहेगा जैसे, चलो कोई ना गैप आप एक्सेप्ट करो, बट ये ना सोचना अनसब्सक्राइब मत करना कि अब चैनल पे कुछ नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं आएगा, होगा। चाहे जितना टाइम लगे, जितना कोशिश हम करेंगे, हम पूरा अपना जी जान लगाएंगे, और ऐसे आप सपोर्ट करिए। पता नहीं एकदम से, है ना, डाउन 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 डाउन, और बाद में ब्लॉग बंद ही हो गए। पहले ऐसा था कि हफ्ते बाद आ गया, 2 हफ्ते बाद आ गया, अब तो पूरा खल्लास हो गया काम। सो एक तो मैं बहुत सो सो बहुत बोलता हूँ। आज का ब्लॉग मेरी बक बक का था शायद, ब्लॉग का है, जस्ट शेयर किया जो भी है, ब्लॉग क्या कहें इसको, ब्लॉग तो होता है बढ़िया वाला, है ना, जब पहले करते थे। सीरियसली आई मिस माई ब्लॉग्स। मैं अपने पुरा अपने क्या बोलते हैं अपना पुरानापन ही अपने मिस करता हूँ, रहता हूँ कि मैं कितना इन्जॉय करता था लाइफ को, है ना, एक एक मोमेंट जिया मैंने, अब तो समझ। अभी फिलहाल मैं चलो बाय करता हूँ आपसे, तो मिलेंगे जब पॉसिबल हुआ, जे झूठ नहीं बोलूँगा कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए। अब ये डायलॉग नहीं है, अब डायलॉग है मिलेंगे जब भी पॉसिबल हुआ। सो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो मुझे कर लीजिए, मेरी टांग सो चुकी है बैठ बैठ के, बुढ़ा हो चुका हूँ मैं। कितनी जल्दी है ना एज निकलती है, मैं 23 साल का होने वाला हूँ बस, 21 21 21, हाँ 21 का था नया नया जब मैं इधर आया, 23 का हो चुका होने वाला हूँ बस। लाइफ तो ऐसे वेस्ट हो रही है अभी साल में। चलो मेरे को नींद भी आ रही है इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा रोंदू लग रहा हूँ, वैसे मैं इतना रोया नहीं हूँ, मैं तो बस नेगेटिव था थोड़ा सा, डकार क्यों आ रहे, कुछ खाया तो है नहीं अभी, अभी खाऊंगा। सो बाय बाय गाइस, मैंने सच न्यू कवर लिया, देखो मोबाइल का उतार के रखा था, लिखा है डू नॉट टच माई फोन, वार्निंग वार्निंग मिली है। सब कोई भी अगर मेरे से मिलता है तो मेरे फोन को हर किस टच मत करना, करंट मरेगा, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, लव यू। जाओ क्या देख रहे हो।